तुर्की और सीरिया में 12 घंटे में भूकंप के 3 बड़े झटके, करीब 1800 लोगों की मौत, सैकड़ों मलबे में दबने की आशंका। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भरभराकर गिरी इमारतें, नींद में ही कई परिवारों ने जान गंवाई, मलबे में दबे लोग चिल्ला रहे बचा लो। 10 मिनट में 50 गाड़ियां आपस में टकराई, चीन में हुआ भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत, 66 लोग घायल। अमित शाह बोले, बीजेपी ने त्रिपुरा में डर का माहौल खत्म किया, सीपीआई की सरकार में मारे गए थे 4000 लोग। यूक्रेन में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में लगी खतरनाक आग, 5 लाख लोग बिना बिजली रहने को मजबूर, ज़ेलेंस्की बोले हालात मुश्किल हो रहे हैं। पुतिन ने वादा किया है वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे, पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का दावा, ये जंग खत्म करवाने की कोशिश कर चुके। जंग के बीच रक्षा मंत्री को बर्खास्त करेगा यूक्रेन, करप्शन स्कैंडल के चलते गवानी पड़ी कुर्सी, इंटेलिजेंस चीफ के लो बुदमेन ने मिली जानकारी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन, पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में की शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ भी रहे मौजूद। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी की गई थी, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने दी थी चेतावनी, अब ये वायरल हो रही। 10 मिनट में 50 गाड़ियां आपस में टकराई, चीन में भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत, 66 लोग घायल। चीन के 10,000 उइगर मुस्लिमों को बसाएगा कनाडा, 2024 से शुरू होगी स्कीम, ड्रैगन बोला ये हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ, 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट दी थी मंजूरी। दिल्ली के मेयर चुनाव तीसरी बार चले, 10 नॉमिनेट मेंबर्स के वोटों की मंजूरी के बाद हंगामा, सुप्रीम कोर्ट जुआएगी आप। सीएम योगी ने किया मेट्रो टनल की खुदाई का शुभारंभ, एक दिन में 12 मीटर खोदेगी टीबीएम यमुना, 2 अंडरग्राउंड टनल निर्माण के कार्य का शुभारंभ। कश्मीर पर ट्वीट के बाद पाक क्रिकेटर रिजवान ट्रोल हुए, लिखा दुआएं कश्मीरियों के साथ, यूजर्स बोले इतनी फिक्र है तो आतंकी भेजना बंद करो।